फाइव पैसा में डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं मिला है या आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप पासवर्ड कैसे सेट करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। फाइव पैसा में डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाकर फाइव पैसा ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद ऐप को ओपन करेंगे, आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या फिर क्लाइंट कोड एंटर करना है। क्लाइंट कोड भी अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ईमेल के द्वारा भेज दिया जाता है। आप इन तीनों में से किसी एक को यहाँ एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ मोबाइल नंबर एंटर किया है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि आपको पासवर्ड नहीं मिला है या आप पासवर्ड भूल गए हैं तो अब आपको नया पासवर्ड सेट करना होगा। नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या फिर क्लाइंट कोड एंटर करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी कोड को यहाँ एंटर करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपसे यहाँ नया पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाएगा। आप कम से कम 8 करेक्टर का पासवर्ड बना सकते हैं जिसमें अल्फा न्यूमेरिक जरूर होना चाहिए, यानी कि पासवर्ड में नंबर और अल्फाबेट जरूर होने चाहिए। चलिए हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका पासवर्ड चेंज यानी कि रीसेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या क्लाइंट कोड एंटर करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। आपने जो भी नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ एंटर करना है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, जैसे कि यहाँ फॉर्मेट में दिखाया गया है। आपको इसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ एंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे स्क्रीन लॉक सिक्योरिटी और एमपिन सेट करने के लिए कहा जाएगा। आप दोनों में से किसी एक को सेट कर सकते हैं। आप जब भी फाइव पैसा ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इसी स्क्रीन लॉक या एमपिन का यूज करके फाइव पैसा ऐप को ओपन करना होगा। हम एमपिन सेट करेंगे, इसलिए हमने एमपिन सेलेक्ट किया है। यहाँ चार अंकों का पिन डालेंगे। आप अपनी मर्जी से चार अंकों का कोई भी पिन बना सकते हैं। पिन एंटर करने के बाद आपसे एक बार फिर से पिन एंटर करने के लिए कहा जाएगा। पिन एंटर करते ही आपका एमपिन सेट हो जाएगा और आप फाइव पैसा ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों, अब आप फाइव पैसा का लॉगिन पासवर्ड चेंज व रीसेट करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।